अब की बार एक ही सपना बहरोड नंबर 1 हो अपना। बहरोड की पहचान आपका भाई पलवान। काम किया है काम करेंगे, बहरोड का ऊंचा नाम करेंगे। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राज कुमार यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी आज बहरोड विधानसभा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खरखड़ा तसिंग गादोस ढिंढोर गांव का दौरा किया। तसिंग गांव की चौपाल पर ग्रामीणों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने सांसद को गांव की समस्याओं से जुड़ा एक मांग पत्र भी दिया। सांसद के साथ डॉक्टर शानू यादव, बलवान सिंह यादव, मोहित यादव, महेंद्र सिंह यादव, सुनील प्रवक्ता सहित अनेक जनप्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ता और भागरथ सिंह राघव, नकुल सिंह राघव, आवेश दीवान, लोकेश शर्मा, महेश दीवान सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। गुरुजी, आपने जल जीवन मिशन के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की आज घोषणा की है जी। आपने समय समय पे ये भी बात उठाई कि इसमें लगने वाली गुणवत्ता, आपने मुद्दा भी उठाया कि बहुत ही घटिया किस्म का होता है, तो क्या एक ग्रामीण स्तर पर कमेटी नहीं बनाई जा सकती जो इस पर निगरानी? देखिए, कमेटी है जी, कमेटी गठित होती है और कमेटी के माध्यम से काम की निगरानी भी हो, लेकिन अधिकारी लोग पूरी पारदर्शिता से लोगों को विषय नहीं रख रहे हैं। हम लोग मीटिंगों में बात बोलते हैं तो उस बात को गोलमोल कर दिया जाता है। दूसरा कि जो इसमें पाइपलाइन है उसमें हल्की पाइपलाइन लगाना, बोरिंग के अंदर जो पाइप होती हैं लोहे की उसके पाइप का वजन कम होना, टंकी के निर्माण में बड़ी अनियमितताएँ बरती जा रही हैं, उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इन सभी मामलों की जाँच चल रही है और जाँच का परिणाम जनता के पक्ष में आएगा। इन लोगों का भ्रष्टाचार के क्या नकाब उठेगा और जिन लोगों ने भी ये जनता का जो पैसा है, जल का जो पैसा है, पानी का जो पैसे के अंदर, पानी के काम के अंदर जो भ्रष्टाचार करने का धर्म किया है, उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन काम वर्तमान में जो चल रहे हैं तो हमारा प्रयास है कि होने वाले काम और आगे जो वर्तमान में चल रहे हैं वो काम अच्छे हों, ताकि लोगों को एक बार काम होने के बाद में आगे कई सालों तक समस्या का सामना नहीं करना पड़े। गुरुजी, आपने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, तो क्या राजस्थान में योगी जैसे नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति रीति और भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से विचारधारा है और काम करने का जो विजन है वो योगी है। योगी का अर्थ है कि समाज की सेवा के लिए समर्पित रहना, और राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक व्यक्ति, उसका निजी कोई स्वार्थ नहीं होता, वो सार्वजनिक जीवन में आता है इस धर्म में। जैसे एक संत बनना होता ना, ठीक वैसे ही प्रकार से राजनीति में आना भी है, मतलब समाज के लिए समर्पित रहना, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। और इस कार्य के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मुख्यमंत्री, एक एक विधायक, एक एक सांसद, हर एक वो मंत्री इसी रूप से काम करता है कि क्यों उसको जनता की सेवा के लिए करना, और जनता ने जो दायित्व दिया है उसको पूरी निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हुए हर समय जनता की सेवा के लिए समर्पित रहना है, और उसी भाव से वो काम करते हैं। हर जगह हमारे नेतागण ऐसे ही काम करते हैं। गुरुजी, लोकसभा का चुनाव 24 में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से तैयारी में जुट गए हैं, राजस्थान में 23 में विधानसभा चुनाव है, क्या आप भी अपनी तैयारी में जुट गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव तैयारी में रहती है, क्योंकि हम जवाबदेही हैं जनता की जिम्मेदारियों के, हम जवाबदेही हैं जो जनता ने जिम्मेदारियाँ दी है। हम हर समय जनता के बीच में रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, योजनाएँ सरकारी प्रशासन तो करवाता ही है इम्प्लीमेंट, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी गली गली में जाकर, घर घर जाकर योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं कि इस योजना का लाभ लीजिएगा, अधिकारियों को बात कर योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसको आप अगर चुनाव कहते हैं तो चुनाव समझ सकते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव लोगों की सेवा के लिए, लोगों के काम के लिए जनता के बीच में रहती है, और उसी के फलबूते आज़ादी के बाद में इस तरह की एकजुटता, अखंडता, लोगों का साथ और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पर और इस संगठन पर आपने देखा है, क्योंकि लोगों के बीच में काम किया है। गुरुजी, एक अंतिम सवाल है, अभी हाल ही में राजस्थान में कुछ लोग सालासर गए, कुछ लोग जयपुर गए, तो क्या ये दो भागों में नहीं बट गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के देखो, नेता हैं सब लोग और कार्यकर्ता इतनी संख्या में हैं कि पार्टी, ये सब एक समुद्र है, समुद्र का जल कभी एक दूसरे समुद्र से अलग नहीं होता है। पूरा भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, आप इसको किसी को महासागर कह सकते हो, किसी को हिंद सागर कह सकते हो, लेकिन समुद्र तो समुद्र ही है। सब लोग एक हैं और सब लोग एक रूपता से काम करेंगे, और आने वाले समय पर भारतीय जनता पार्टी अजय होकर राजस्थान में जनता की सेवा के लिए समर्पित होकर काम करेगी। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहें राज 24। नमस्कार।
विनायक हॉस्पिटल कृष्णा टाकिज के पास कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं डीएनसी नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी निसंतानता का उपचार दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन सतमासे और अठमासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। इंदू हॉस्पिटल नीमराणा राड क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदू यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक यादव पूर्व सर्जन SMH जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे फार्मेसी पैथोलैब ICU NICU ऑपरेशन थिएटर 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख DPS